हाय वेलकम टू दी ट्रेजर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मैं कुछ नया लेके आया था तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। आज मैं कोई मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मैंने एक बोया का माइक मंगवाया है, क्योंकि आज तक जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा था। तो मैंने ये गौर किया था कि वीडियो में जो था कुछ ज़्यादा ही नॉइस, जो बैकग्राउंड नॉइस होता है वो, और जो इको है वो कुछ ज़्यादा ही था, और जो आवाज़ थी वो कुछ क्लियर नहीं था। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक माइक यूज़ किया जाए। तो मैंने काफ़ी सारा रिव्यू देखा और मुझे बोया का माइक पसंद आया, तो मैंने बोया का माइक मंगाया है। और चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने में, कि देखते हैं हमें क्या क्या मिला है इसमें, और यूज़ करके मैं बताऊँगा कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या बिल्कुल जैसा हमने सोचा है, जैसा रिव्यू देखा है वैसा है या नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी वो चीज़ शेयर करूं। तो चलिए ये रहा बोया का माइक जो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सील पैक है, और मैं भी इसको ना खोलता हूँ, इसमें क्या है, फटाफट से इसको खोल देते हैं। पर मैं इन्होंने अच्छी तरीके से इसको चिपकाया है, जो इन्होंने स्लिप जो दिया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। मैं चाकू वाकू यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करता नहीं, तो मेरे पास टूल्स नहीं है इसे खोलने के लिए। तो जो हम सिंपल तरीके से जो टूल यूज़ करते हैं वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ भी। तो देखते हैं क्या है। तो ये बिल है जो कितने का इन्होंने दिया है, और ये बॉक्स मैं इसको जल्दी से ये ओपन करता हूँ। तो ये बबल पैक है, और ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स है बोया का माइक। अब मैं इसमें देखता हूँ कि क्या है, क्या क्या मिलता है, जल्दी से देख लेता हूँ। तो ये एक इसमें लेदर पाउच है, लेदर तो नहीं है लेकिन हाँ पाउच है, जिसमें ये बोया लिखा हुआ है, और देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ हमें एक मिलता है ये बोया का माइक कॉर्डलेस। तार काफ़ी लंबी है, देख सकते हैं आप, ये तार जो है काफ़ी लंबी है, काफ़ी पार्ट्स में फोल्ड किया हुआ है। तो अभी मैं देखता हूँ और क्या है इसमें। ओके, ये LR44XL है जो कि लगेगा इसमें, और ये तो वही है सिलिका जेल है जिसको यूज करते हैं। और चलिए यहाँ देख लेते हैं जल्दी से इसमें क्या है। एक ये पिन मिलता है हमें, एडाप्टर टाइप पिन है, कि अगर माइक में या कैमरे में किसी में अगर आपको इस पिन की जरूरत हो तो आप इसको चेंज करके लगा सकते हैं, कि उसमें जो है आपको 3.5mm जैक है, और इसको आप उसमें इंसर्ट करके आप कन्वर्टर के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक माइक के ऊपर जो कवर डलता है वो है बेसिकली, और ये क्लिप है जो हम माइक में लगा के जहाँ भी अपना इसको पिन करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये है एक इंस्ट्रक्शन कार्ड जिसमें लिखा हुआ है बिफोर यू प्लग द माइक्रोफोन टू योर स्मार्टफोन स्लाइड द स्विच ऑन ऑफ स्मार्टफोन। तो शायद इसमें कोई फंक्शन है किस मोड में हम इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, तो ये जो है हमारे कैमरा के लिए है, बीच में ऑफ है इसका, कैमरा ऑफ हो जाएगा और ये स्मार्टफोन चालू हो जाएगा, ऑन ऑफ स्विच है इसमें। तो बस यही है, और मैं बता दूं आपको एक चीज और है, एक ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक है ये, जी हाँ ये मैनुअल बुक है कि इसको हम कैसे क्या लगाएंगे, तो ये चीज़ इसमें मैनुअल बुक है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये जो मुझे प्राइस जो इसका पड़ा है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं काफ़ी प्राइस, तो अभी जो प्राइस पड़ा है मुझे वो 1095 रुपये का, मतलब
1095 रुपीस का पड़ा है ये फ्लिपकार्ट पे, और आप ये देख सकते हैं इसमें भी ये प्राइस जो है, मैं आपको दिखा दूँ ये प्राइस, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है प्राइस, ये आप देख सकते हैं ये 1095 का पड़ा है मुझे। तो बस यही था, बाकी अब मैं इसको यूज़ करूँगा, देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है। मैंने जैसा सोच के मंगाया है वाकई वैसा है भी या नहीं है। तो अगर आप इसका आफ्टर यूज रिव्यू जानना चाहते हैं कि मतलब मैं आपको बताऊं यूज करने के बाद कि ये वाकई कैसा काम करता है, नॉइस कैंसिलेशन इसका कैसा है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको यूज करके बताऊंगा इसका कि क्या इफेक्ट है, कैसा इसका बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन है, क्या है नहीं है, मुझे कैसा लगा, बेसिकली मैं अपना रिव्यू आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स वंस अगेन गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सपोर्ट करते रहिए, मैं आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया सपोर्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है, जो वीडियो में जो गैप्स आ रहे हैं, जो काफ़ी दिनों तक मैं कोई वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं हर वीक वीडियो बनाऊँ, या कोशिश करूँगा कि इनफैक्ट एक दो दिन बीच करके मैं वीडियो बनाऊँ और पोस्ट करता रहूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।